ये है भाई टिगोर का एक्सीडेंट। ये देखो भाई, ये टोइंग वाला आ गया है और अभी टिगोर को कर लेगा टो। आज सपना साकार करने का दिन आ चुका है क्योंकि आज बुक करने जा रहा हूँ मैं अपनी सुपर कार। गाड़ी भाई की बुक हो, थैंक यू भाई। गाइस आज फाइनली सुपर कार हो गई है बुक। लेट्स गो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। स्वागत है भाई आप सबका मेरे आज के व्लॉग में। यार सुबह सुबह का दिन बहुत ही खराब स्टार्ट हुआ है। सोचा तो ये था गाइस नहा धो के बड़ी आ जाऊंगा सुपर कार बुक कराने के लिए, पर सुबह सुबह हो गया टिगोर का एक्सीडेंट। अभी सामने मेरे जा रही है टिगोर, ये देखो सामने टिगोर जा रही है। टिगोर का भाई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है आगे से। ये है भाई टिगोर का एक्सीडेंट। अभी तक तो चल रही थी, अब चलना भी बंद हो गई है। तो अभी हमने टोइंग वाला बुलाया, इसको टो करके ले जाएंगे हम टाटा के सर्विस सेंटर। कितनी देर में आ रहा है यार ऑटो वाला? भाई कह रहा है कि 10 मिनट लगेंगे। गाइस सुबह सुबह यार इतनी बीटी हो गई ना, बस क्या बताऊं मैं आपको। सुपर कार लेने जाना था भाई, मैं ऐसे सो रहा सुपर कार बुक कराने। हाँ सुन तो, हाँ। पूरा मैं सो रहा गहरी नींद में। हाँ अब फोन हमें किए होंगे ड्राइवर ने, मतलब हम तो देखो लेट ही सोए थे। हाँ, सुबह सुबह मतलब ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा था यहाँ पे, अब फोन करे हमें पता ही नहीं लगा। फिर उसके बाद वो ऊपर आया भक्ता भक्ता, तो एक्सीडेंट यही हुआ था भाई घर के नियर बाय। वो ऊपर आया भक्ता भक्ता और गेट पीट रहा हो, फिर गेट खोला एकदम से, मैं नींद में उठा, ये भी नींद में उठा, कह रहा भैया एक्सीडेंट हो गया जल्दी आओ जल्दी आओ। भैया से बिल्कुल होपलेस हो रखे थे सारे भाई। फिर हमें एकदम से ये हुआ कि क्या हो गया, आंखें ऐसे खुल गई, मतलब हम ऐसे नींद में थे बिल्कुल और ऐसे हो गई आंखें, क्या एक्सीडेंट हो गया। फिर भाई नीचे जाके देखा तो मेरे ड्राइवर से एक्सीडेंट रखा था। इसमें एक बुड्ढे ने गाड़ी आगे मारी इसमें, और उस बुड्ढे ने गाड़ी ठोक के आगे भी जाके मारी भाई। ले भाई हो गया सुबह सुबह कल्याण मगा भाई, पता नहीं क्या सीन है। मारी तो मारी, ऊपर से गलती भी नहीं मान रहा। हाँ गलती भी नहीं मान रहा बुड्ढा कि मेरी गलती नहीं है, ये वो है, ये गाड़ी गाड़ी लोहा हुआ क्या है, तो चलो रिपेयर हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको जाके हम इंश्योरेंस में देंगे, हो जाएगी ठीक। पर ये है कि किसी को चोट नहीं आई, जो सबसे मेन मैटर करता है। ये देखो भाई ये टोइंग वाला आ गया है और अभी टिगोर को कर लेगा टो। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार, कभी एक्सीडेंट ठुक रही है कभी टिगोर ठुक रही है। कोई नहीं गाइस बी पॉजिटिव। भाई ये देखो सामने टिगोर हो गई है टो, हमारे साइड में देख सकते हो। तो गाइस ये रही हमारी दूसरी 7111 क्रेन पे टंगी हुई है। ये चलते चलते कैसे बंद होगी, वहां तक तो चल रही थी मतलब एक्सीडेंट के बाद भी, फिर रास्ते में बंद होगी, फिर तूने टोइंग वाला बुलाया जब जाके कुछ इसका काम हुआ। इंजन में कोई हो गया होगा भाई, इंजन साइन तो आ ही गया था। ये ले ले तू फ्रूट फैन। नो भैया ये नहीं चाहिए हमें, हम बड़े हो गए हैं, हम छोटे नहीं रहे। भैया हमें नहीं चाहिए, हम बड़े हो गए हैं अब। इसके बच्चे होंगे ना जब, ये अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के ले लूंगा, पर उसमें अभी टाइम है भाई। तो भाई ये है टाटा की टूटी फूटी गाड़ियों का वेयर हाउस, यहाँ पे सारी एक्सीडेंटल गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो फाइनली अपनी टिगोर हमने भाई यहाँ दे दिया है, अब इसमें कम से कम भी 25 से 30 दिन लग जाएंगे सही होके वापस आने में। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the... So guys, अभी तक तो मैं कैसे था भाई, सो के उठा था, सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद गाड़ी इंश्योरेंस में दे दी है, अभी क्लेम में देखो 25 से 30 दिन में सही होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी सुपर कार बुक करने के लिए, और तुम्हारे भाई की लुक हो गई एकदम से चेंज। कम ऑन चलते हैं भाई, मैं और विनय जा रहे हैं अभी। Man, I still go, go, go. सो गाइस फाइनली निकल गए हैं और आज सपना साकार करने का दिन आ चुका है क्योंकि आज बुक करने जा रहा हूँ मैं अपनी सुपर कार। तो आज आपको पता लग जाएगा कौन सी गाड़ी हो सकती है वो जो मैं आज बुक कर दूंगा, और बहुत जल्दी ही उसकी डिलीवरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। भाई हर लड़के का सपना होता है कि वो एक बहुत लग्जरी सुपर कार ले, तो भाई वैसे ही मेरा भी सपना था, लेकिन अभी वो सपना होने जा रहा है साकार आप लोगों की वजह से और मेरी वजह से गाइस। बिल्कुल भाई, सबका सपोर्ट है, सबका साथ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये दोस्तों ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं सुपर कार ले लूंगा, मैंने सोचा था और तभी आज बुक करने भी जा रहा हूँ। तो देखो सोचोगे तभी कर पाओगे, मैंने सोचा, हो रहा है ना, आप भी सोचो आप भी मेहनत करो। तो चलो भाई चलते हैं और लेट्स सी हमारी कौन सी गाड़ी आज हम बुक करने वाले हैं। लेकिन कुछ आइडियाज हैं आप लोगों को और कुछ को आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तो आज आपको भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता जो मेरे मुंह से निकल रहा है, बोले जा रहा हूँ, बस बोले जा रहा हूँ क्योंकि ये पागल हो चुका है। पागल नहीं भाई, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, उत्सुकता। गाइस
खच्चर भाई को देखो, जूते उतार के आराम से रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे। क्यों कर रहा है तू ये? आगे ट्रैफिक में तूने फंसा दिया। क्योंकि गाइस हम लोग गुड़गांव के बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। आपको पता होगा जब गुड़गांव से दिल्ली जाओ या दिल्ली से गुड़गांव आओ तो भसड़ मिलनी मिलनी है। लेफ्ट से लेता हम निकल जाते रहे भाई, वो टोल था, मेरे को क्या पता वहाँ फंसते। सुपर कार लेके से जाम में फंसेगा? नहीं भाई, उसमें डालियो ना कम फ्लाई विद मी। कम फ्लाई विद मी भाई, GTA वाले प्लेयर्स को पता होगा, GTA वाई सिटी वालों को कम फ्लाई विद मी करने से क्या होता है भाई। बहुत क्या होता है ना, तो कमेंट बहुत खेलते होंगे, बहुत खेला होगा आपने। कम फ्लाई विद मी करने से क्या होता है GTA के अंदर बता दो एक बार, और पानी में चलने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी बता दो। मैं बताऊं? चल कमेंट नहीं, कमेंट करने तो मुझे तो पता है, मैं तो बहुत खेलता था भाई GTA। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो पूरा लाल हो रखा है, जाम ही जाम है यार। ओ बॉय बॉय, जिस दिन डिलीवरी होगी ना उस दिन धुम्मा ठा दूंगा, धुम्मा तबाही तबाही, आग लगा दूंगा। नारियल खिला दे यार, बिना 10 रुपए दे खुले। कैश भैया, पेटीएम है ना चित? मेरे पे है ना कैश, तू भी लेगा? हाँ थोड़ा खा लूंगा। इसका क्या करूँ, इसको बिना को दू भाई? गुलाब का क्या करेंगे हम, नारियल दे दो भैया, ये मेरी बंदी नहीं है, वरना इसको ले, किसको दू यार, कोई है ही नहीं जिंदगी में, पहले लड़की तो हो। लड़की नहीं है भाई। तो गाइस हम खा रहे हैं नारियल। नारियल खा ले भाई मेरी तरफ से, तू नारियल खा ले मेरी तरफ से ना, खा ले। अरे ले ले भाई ले ले, अरे सच में ले ले। अरे नहीं लेगा, ले तू 20 रुपए ऐसे ले ले यार, ले लाइक फूल तो दे दे इसी बात पे। ओ गोली गोली, 20 रुपए बन गए क्या? तो गाइस हम आ गए हैं फ्यूजन कार पे, ये देखो मेरा फ्यूजन कार का ये ऊपर वाला वो है फ्लोर, ये रहे हमारे गौरव भाई, कैसे हो भाई? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आज हम नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे से हम कई बार स्टार्ट कर चुके हैं। ये लो भाई अमानत, इसमें भाई कैश और मेरी गाड़ी बुक करो जल्दी। अरे वाह वाह वाह, सोच लिया, कर लिया विचार? कर लिया भाई। क्या बात भाई, मैंने बोला था बताना नहीं है, अभी बताना नहीं है। नहीं बताऊं भाई, मैं सोच के आया था कि आज ऑडियंस को बता दूंगा कौन सी गाड़ी है, वो हम नहीं बताने देंगे। अरे यार भाई तो मना कर रहे हैं, डिलीवरी होगी ऑसम डिलीवरी, उसमें पता चलेगा कि क्या बम फोड़ा है रचित। मैंने बोला था कि 1 मिलियन या तो ब्लॉग पे होंगे तब बुक कर, मतलब तब फाइनल कर दूंगा, या 12 मिलियन मेन चैनल पे होंगे, तो 12 मिलियन तो हो गए। मैंने आपको हर चीज की मुबारक है, लेकिन ये चीज से बुकिंग भी करा दो, रिवील नहीं कर, वो गलत बात है। ऑडियंस का दिल तोड़ रहे हो आप। नहीं क्यों तोड़ रहे हैं, ये कंफर्म हो गया कि ये फ्यूजन कार पे आके आज गाड़ी बुक करा दी, आपको जल्दी मिलेंगे इनकी गाड़ी के साथ, रिवील तभी करेंगे। लेकिन चलो ऐसा कर लेते हैं, सुपर 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 डिलीवरी इनके चैनल पे देखना, ये मेरा प्रॉमिस है, समथिंग डिफरेंट होने वाला है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन गाइस गाड़ी बुक हो गई है, भाई कह रहे हैं कि रिवील नहीं करते वरना फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये बात तो है भाई, गाड़ी भाई की बुक हो। थैंक यू भाई, भाई ये बैग क्यों छोड़ के जा रहे हो? मैंने तो नहीं छोड़ा, अमानत है तो मेरी। अभी मैंने देखा वहां रख रखा था यार, ऐसे यार, नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं नहीं बता दो, बिल्कुल चाहिए। मैंने अकाउंटेंट को आई दी थी कि आजा माल आया है जरा गिन ले, इसमें से सामान निकाल के मेरा बैग दे देना मेरे को। बैग आपकी अमानत है, अंदर का सामान मेरी अमानत है, और अभी हमारी सुपर कार आप सबकी अमानत है जो आने वाली है। ये सब में से एक आएगी, अब वो कौन सी आएगी वो तो भाई ने बना कर देगा, बताना ही नहीं है। अब देखो, अच्छी सुपर डिलीवरी देखनी है भाई के चैनल पे तो थोड़ा इंतजार तो बनता है भाई। अब देख कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है, मन बिना तो फर्स्ट टाइम आया, तू भी देख ले भाई, तू भी देख ले, देख देख मुझे गाइस गाड़ी पता है कौन सी है, बताऊ रिवील कर दूं? नहीं नहीं यार, आज मैं पहली बार आया था, रचित तो खैर काफी पहले आ चुका है गाइस, तो मैं पहली बार आया और अच्छा ये कंफ्यूज कैसे खड़े, चलो इनसे मिल लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। वैसे बताऊं ये जो चॉकलेट है ना ये मैं खाता नहीं हूँ, मेरी तरफ से आप खा लेना। छोटे वाला भी है, ये रहा भाई ब्लॉग, हाय कर दो सबको। हरियाणी बोल लो, मैं हरियाणी में स्मारी ना बोलता। अच्छा चलो भाई गौरव भाई ये रखवा लो थोड़ी देर के लिए, जाते टाइम मैं ये और अपना बैग जरूर लेके जाऊंगा। खाली बैग, खाली बैग, सॉरी खाली खाली बैग भाई। गाड़ी वाड़ी देखो यार, बोलता ले कुछ भी ना, क्या गाड़ी देख के दूंगा हो गया क्या भाई? भाई नहीं बोला जा रहा, क्या करूँ, गाड़िया ही ऐसी भाई। मैं कह रहा हूँ ये तू एक गाड़ी ले और उसमें पता क्या लिखवा, खच्चर की कार। GT मस्टैंग ले रचित, बताऊ? नहीं मस्टैंग क्यों लूंगा मैं? क्या फील है यार, रुक जा मुझे बॉक्सटर देखनी थी यार। तो गाइस आज फाइनली सुपरकार हो गई है बुक। एक बात बताऊं,
हाँ बता। रिवील करने का मन कर रहा है यार। पिटेगा यहीं पे? यहीं पिटेगा। अच्छा लगेगा, यहाँ शोरूम में पिटेगा। घर पे पिटता है तो फिर भी चलो ये होता है, घर की बात घर में रह जाती है। यहाँ शोरूम में पिटता अच्छा लगेगा। बॉक्सर है ना तेरी? मेरी बॉक्सर थोड़ी है, मेरी सारी है भाई। अच्छा पूछ ले भाई, गौरव भाई से बोलते सारी गाड़ी मेरी है। मेरे तो पेट फंस रहा है, इसलिए वो सही रहेगी। मिनी कूपर, इतनी छोटी हाइट होने के बावजूद भी। देखो गाइस सुपर कार में बैठ के मैं ही ढूंढ रहा हूँ। वैसे उसमें वही है, बॉक्सर में। अच्छा कैसा लग रहा है विनय इसमें बैठा हुआ? यार मजाक तो मत बना। To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! तो गाइस देखो, अभी आपको लग रहा होगा मैं बैठा हूँ किसी नॉर्मल कार में, ये देखो, बट ऐसा नहीं है गाइस, मैं हूँ स्पेसशिप के अंदर। ये भाई इसको वो इंटरस्टेलर लाइट बोलते हैं ना? यस, मेरे हिसाब से हमारे ऊपर है हरे हरे तारे। ऐसा नहीं लग रहा विनय, सच में देख एक बार को, ये भूल जा हम गाड़ी में बैठे हैं। और ये देख बस फ्रेम में, अरे एक सेकंड गाइस लाइट जलाते हैं, जल गई। ये देखो एक बार को भूल जा गाड़ी में बैठे हैं, और ये देखो ऊपर ऐसा नहीं लग रहा हम कहीं अंतरिक्ष में आ गए, स्पेस वॉर चल रहा है। वो कौन सी है? वो स्टार वॉर्स वाली फील आ रही है गाइस। ठीक है, पीछे की सीट कैसी है? पीछे भाई इसको बोलते हैं चाइल्ड सीट बोलते हैं गाइस। तू आ जाएगा इसमें पीछे, जीटी मस्टैंग में बैठे हम गाइस। मैं तो आऊंगा नहीं पीछे, लेकिन विनय आपको पता है छोटू हमारा, छोटू है लेकिन मोटू है, लेकिन पीछे रहता है बार बार भाई। खच्चर है भाई, तू खच्चर है भाई, नहीं है नहीं है। एक तो आज मैं अगली बार आऊंगा ही नहीं सुपर कार देखने भाई। अगली बार तो डिलीवरी है, बुक तो होगी। बुक हो गई है गाइस, बुक हो गई है। एक गाड़ी लेके चलना आज घर यार प्लीज। कोई एक गाड़ी लेके चलो घर, अभी चल पड़ते हैं। अभी तक नहीं लेके गया यार। ठीक है गाइस, विनय की डिमांड है कि यहाँ से मैं कोई एक, भाई बोल तो लेना, सॉरी सॉरी, विनय की डिमांड है कि मैं एक यहाँ से कोई गाड़ी उठाऊं और उसको घर लेके जाऊं। मेरी डिमांड पूरी होगी आज? पूरी कर देंगे, क्या दिक्कत है गाइस, क्या बोलते हो? डिमांड पूरी कर दी जाए, क्योंकि मैं इसकी लुगाई हूं, उसने मेरा सपना पूरा किया है। तो गाइस एक काम करते हैं, अभी गौरव भाई से एक गाड़ी उठाते हैं और लेके जाते हैं घर पे, फिर एक्सयूवी तू चला के लेके जाइयो भाई, मैं तो सुपर कार में आऊंगा ना फिर। बोला साउंड इफेक्ट आ गया, मैं बोली डीजे स्क्रैच, डीजे स्क्रैच भाई। चलो अभी एक काम करते हैं, गौरव भाई के पास चलते हैं डायरेक्ट और बोलता हूं भाई सुपर कार दो मेरे को, मैं लेके जा रहा हूं घर पे। गौरव ब्रदर, गौरव भाई, विनय भाई की डिमांड आई है। कॉल पे बिजी हो? नहीं नहीं हाँ जी, विनय भाई की डिमांड आई है कि गौरव भाई को बोलो एक सुपर कार दे हमें घर ले जाने के लिए। इज इट पॉसिबल? अरे भाई पॉसिबल है, पॉसिबल करना पड़ेगा, अब तो सीधा कैमरा मुंह पे है। ऐसी बात कर दी मतलब कैमरा मुंह पे है तो ही भाई वाली बात है। अरे एक मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, जब गौरव भाई बोलते हैं ना ऐसा लगता है मुंह से शहद टपक रहा है। ये बात, ये सच बात है भाई, को पसीना बहुत आ रहा है। क्या करे भाई, गर्मी लग रही है। क्या भाई, तो भाई को भी आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, आई एम वेरी यू नो हैंडसम, नो नो मेकअप नो फिल्टर। बताओ भाई फिर कौन सी गाड़ी दे रहे हो आप हमें घर ले जाने के लिए? कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल ले ले। और क्या भाई, हवा खाऊंगा मैं तो। अबे तू तो एक्सयूवी चला के ले जाएगा ना भाई। लो ये देख, बस टैंक के पास भाई विनय की डिमांड पूरी करो यार, गाड़ी निकालो यार जल्दी से भाई, वेट नहीं हो रहा। अच्छा एक गाड़ी डिमांड विनय की है, लेकिन चलाऊंगा मैं। अंदर आनी है एक गाड़ी, अभी अंदर आनी है एसएल के कन्वर्टेबल। अच्छा वो देखो पेड़ के पीछे खड़ी है, सीधा वही आपको दे। तो भाई देख लो, एक बार गौरव भाई को बोला गाड़ी दो हमें घर ले जाने के लिए, इन्होंने कन्वर्टेबल गाड़ी दे दी। कह रहे ले जाओ, रीजन पता है क्यों? क्योंकि आज पैसे दिए भाई बुकिंग के। भाई है इसलिए, भाई है ये रीजन है, बुकिंग तो सेकेंडरी है। तो गाइस फाइनली भाई हमारी मर्सिडीज आ गई है कन्वर्टेबल, जो कि रचित ने यही ली है शायद। नहीं गाइस इतना तो मैं कंफर्म कर दूंगा, ये वाली गाड़ी नहीं है। विनय ने बोला था कि कोई गाड़ी लेके चलते हैं आज ड्राइव के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए, तो इसीलिए 7111 हाँ 111 है ये वाला नंबर नहीं भाई। भाई क्या पता अगर यही पसंद आ गई फिर है, यही पसंद आ गई फिर चाबी ले लो चाबी। वो चाबी कैसी है इसकी, पेन ड्राइव भाई? ये विनय की डिमांड थी कन्वर्टेबल गाड़ी की, आज कन्वर्टेबल में गुड़गांव चलती मेरे साथ।
क्या बात कर रहे हैं? आज इसको कन्वर्टेबल में लेके चलते हैं गुड़गांव। गाइस भाई ये वही बंद है पीछे पैक। मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा रास्ते में। आजा मेरी डिमांड चलते हैं भाई। और मैं किस में आऊंगा? तू एक्सयूवी लेके आइयो। ओला ऊपर करके आ जा। बैठने में दिक्कत हो रही है एक बंदे को। बैठो बैठो बैठ रहा हूं। तुम मजाक क्यों बना रहे हो भाई? संतरा से सीधा टू सीटर। चल अमन तू आज एक्सयूवी में हम जा रहे हैं ठीक है भाई? सही बात भाई। दोबारा आ गया। मैं बताऊं क्यों? अपना बैग भूल गया और गिफ्ट भी। गौरव भाई यार क्या हो गया? निकालता हूं फंस गया। कॉल पे रह के लोगों का सामान भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जी जाने की तैयारी है? हाँ जी भाई। आपने बैग और गिफ्ट लेके आओ भाई के जो अभी पब्लिक भाई को देके गई है और खाली बैग उसमें से पैसे निकाल लिए गए हैं। बस सामान है अब उनके हाथ में। चलो भाई घर की गाड़ी में रखो। दो जी आपकी खाली अमानत और आपके डिग्री में डालो ना भाई। इधर डालो ना। थैंक यू गौरव भाई। थैंक यू सो मच। चलते हैं भाई। ओके भाई आराम से प्यार से लेके जाना। प्यार से भाई अपनी समझ के चलाएंगे। बिल्कुल बंदा तो पता नहीं मक्खी पहले मार दी गाड़ी से। मारी पड़ी थी भाई। मारी पड़ी थी। अपनी समझ के चलाएंगे। बिल्कुल जैसी अपनी पेलता हूँ वैसी पेलूंगा। बिल्कुल दिल से पेल। नाइस। फोटो लेनी है? मैंने क्या ब्लॉग में हमें भी ले लेना। पाजी आप सारे ब्लॉग में आओ। क्या बात कर दी आपने? क्या है ये आप भी? इसको भी साल लेना। ये मेरा चेला है। खास चेला मेरा। बाकी सब नकली है। ये चेला चले भाई। चलो ठीक है पाजी। चलो चलो निकालो। तो गाइस फाइनली सुपर कार लेके टू सीटर कन्वर्टेबल लेके मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। और अभी सिब्बू को तो पता ही नहीं है मैं ये टू सीटर लेके आया हूँ। उसके रिएक्शन देखेंगे गुड़गांव जाके कैसे होएंगे। और मिक्की और बल्लू तो पागल हो जाएंगे गाइस। हालांकि अभी मैंने सिर्फ बुक कराई है। जब डिलीवरी लेने के बाद खुद की गाड़ी आएगी ना उसका तो अलग ही मजा है भाई। अभी तो मैं ऐसे ले आया टेस्ट ड्राइव हो जाएगी और पता लग जाएगा कि भाई टू सीटर का कैसा मजा होता है। ये मत समझना मैंने ये वाली गाड़ी ली है। नो तो भाई अभी टंकी फुल हो रही है अपनी गाड़ी की। जीरो चेक है भाई। फुल कर देना बिल्कुल ऊपर तक। तो भाई अभी टंकी फुल हो रही है। कितने का आ गया? हो गया फुल 50 लीटर तो डल गया। मोर देन 5000 5000 का हो गया। ये भी अच्छी लग रही है। लुक इसकी अच्छी प्यारी है ना। हाँ पीछे देखना दो बंदे हमारी हमारा सारा अलग ही चमक रहा है पीछे से। और वैसे गाइस आज लुक तो मेरी भी मजेदार है ना। तो गाइस अमन राणा गायब हो गया था। इसको ढूंढा हमने अभी। ये सामने खड़ी एक्सयूवी। चलो भाई अभी चलते गुड़गांव और सिब्बू बल्लू और मिक्की के रिएक्शन लेंगे गाइस। अबे जल्दी नीचे आओ सुपर कार ले आया मैं। अरे उसको भी लेके आई हूँ मिक्की माउस को। मिक्की और तो जल्दी आओ। सिब्बू तो सो रही है। ठीक है ठीक है। आजा सुपर कार दिखाता हूँ तुम्हें। अरे रुको आजा। उंगली से कर लो ना अंदर हाथ डाल के। मुझे थोड़ी पता है यार सुपरकार डेली थोड़ी चलाती हूं मैं। ये यार सिब्बू आके आते ही बैठ गई यार। ऐसे थोड़ी होता है। ओके बाय अभी मिलता हूँ यहीं से घुमा के लाता हूँ। ओके बाय। वे हम हाथ मत लगा चल। हाथ मत लगा। वे हाथ मत लगा चल पीछे। अभी तो बैठने का मन अच्छी है ना। अच्छा दो ही सीट बोलना। दो ही सीट है कह रहा है। इतना पैसा लगा के भी दो सीट। अरे यार हम नहीं बैठे यार इतनी महंगी गाड़ी में यार। यस यस हमें भी आवाज बहुत बढ़िया लगता है। गाइस कल चंडीगढ़ हम इसी गाड़ी में जाएंगे आपको पता है। बारी बारी करके कोई वो नहीं है। बारी बारी करके सब आवाज। मुझे तो भाई दो दो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यार एक तो तुम सारे इकट्ठा बोलते हो ना किसी की समझ। हाँ। मैं बता रही हूँ बारी बारी का चक्कर मत लगाना। एक्सयूवी में बैठ के जाना वरना टेम्पो कर लेना। हम दोनों कैसी महंगे भाई। ठीक है फोटो करके आइयो। ₹10 सवारी हल्की है भारी। तू
मैं और सिब्बू इसमें जाएंगे। चल सिब्बू आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आप फिर कहाँ जा रहे हो? अरे मार्केट में जा रहा हूँ कुछ खाने का लेने, लाना है कुछ? सब भूखे बैठे हैं यहाँ पे। न्यूट्री कुल्चा सब खा लेंगे। न्यूट्री कुल्चा नहीं खाए, कोई नहीं खाएगा, सब जिग गए न्यूट्री कुल्चा से। मैं खा लूंगी। चलो देखते हैं मार्केट से क्या। ठीक है, कुछ भी ले आना, कुछ ले आना, भूख लगी है बहुत ज्यादा। सुपर कार में जाओगे? अच्छा मैं भी चलूंगी। लड़कियां चलोगे या क्या? कुछ भी, लड़कियां चढ़ूंगा। पटाओगे? पटा लूंगा, क्या दिक्कत है? वही तो वैसे पड़ जाएगी। मैं चलूंगी साथ में। तो गाइस सुपर कार मर्सिडीज टू सीटर अपने इधर हो रही है पार्क। लुक तो गाइज इसकी भी मस्त है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइज ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर बहुत जल्दी आपको डिलीवरी में दिख जाएगी कि क्या पिक्चर होने वाली है और कौन सी गाड़ी होने वाली है। तो चलो गाइज अभी समय है अपने सेगमेंट RRR का, और लाइट जलवा ली है। भाई लाइट जलवाने को बोलता पंखा मत चला यार, पंखा बंद कर दे, एसी चल रहा है। तो पहला सवाल हमसे पूछा है लक्ष्य गोयल ने, भाई चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लैंडरन में आओगे या झांझरी में? भाई झांझरी वाला, झांझरी जो झांझरी मोहाली उस वाले में आ रहे हैं, तो रेडी रहना गाइज। आज ही जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो मे बी हम कॉलेज में ही होंगे। अगला सवाल हमसे पूछा है वीरेंद्र सिंह राठौर ने, रचित भैया आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट करने में कितना टाइम लगता है? भाई देखो डिपेंड करता है दिमाग किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कई बार तो 10 मिनट में बन जाती है, कई बार 10-10 दिन में भी ना बने, तो वो सिचुएशन वाली बात होती है यार। भाई अगला सवाल हमसे पूछा है, यूजर का नाम है लैम्बोर्गिनी एम्पायर, रचित भाई आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? भाई मेरी पहली गाड़ी थी वैगन, जी वैगन नहीं, वैगन आर। कोई नहीं भाई, वैगन आर से अभी सुपरकार आ रही है, देख रहे हो तरक्की हो रही है भाई। अगला सवाल हमसे पूछा है, यूजर का नाम नहीं है, कांग्रेचुलेशंस भैया, बट विनय भैया ने आपके फोन का लॉक कैसे खोला था? कैसे खोला भाई तूने, जो तुम मेरे फोन से व्लॉगिंग कर रहे थे, बताओ। बिना लॉक देखो खोले भी कैमरा, ये विनय का फोन है, ये इस साइड से स्वाइप करिए, इसको स्वाइप, ये स्वाइप करा कैमरा खुल गया, और एप्पल का कैमरा ऐसे ही खुल जाता है। तो ये थी टेक्निक, समझ रहे हो गाइस। पांचवा और आखिरी सवाल हमसे पूछा, भैया आप इतने सारे पैसे खर्च करते हो तो एक बलून को फिल करने वाला पंप भी ले आते? हाँ भाई। बताओ भाई। ये सेम बात मैंने कही थी इनसे यार, वो मिला नहीं था वहां पे, हमने पूछा था, तुमने पूछा ही नहीं, नहीं कह रहे हैं, मैं पता नहीं था ऐसा कुछ आता है भाई, ये कुछ भी वो मिक्की कह रहा था। अच्छा चलो ठीक है, पंप पंप की छोड़ो, एक बार बताओ ये मिठल की पोजीशन में क्यों लेटा है तू? क्योंकि ये मिठल है, ये पूरी मिठल गैंग है ना। ओ माय गॉड, वो चाय गिर गई इवेंट में जाएंगे अभी, देखते भाई कैसा रहेगा इवेंट, तो आई होप भाई खूब मजा आएगा। और आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सुपर कार आ रही है अब अपनी, बुक कर दिया तुम्हारे भाई ने सुपर कार। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल 11 बजे नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय श्री राम।